इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वहाँ तूफान भी हर जाते हैं जहाँ कश्तियाँ अपनी जिद पर आती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप सिंह राठौड़, जो पंजाब लुधियाना से निकले हैं। वो माजूर हैं लेकिन उनके हौसले माजूर नहीं है। ये हम जैसे अकल के माजूर लोगों के लिए ये पैगाम दे रहे हैं कि इंसान को किसी मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि हर हाल में लड़ते हुए ज़िंदगी को आगे ले जाना है। इनका कहना यह है कि जो लोग भी जिन्हें नौकरियां नहीं मिलती वो नशे के आदि होते हैं, और जिस तरह से देश में एक जातीयता और एक नफरत का पैगाम फैलाया जा रहा है, इसकी वो मजम्मत करते हुए पूरे देश में एकता का संदेश देने के लिए निकल पड़े हैं। हमारे साथ कुलदीप सिंह राठौड़ मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आखिर आपका मकसद बताइए। सर, सबसे पहले तो बेलगाम शहर में आपका खैर मकदम इस्तकबाल, आप बताइए। कुलदीप सिंह राठौड़ साहब, मेरा नाम कुलदीप सिंह राठौड़, गाँव बद्दोवाल छावनी, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। ये मेरी सेकंड यात्रा है। पहले भी 2010 से 2014 तक 40,000 किलोमीटर चला हूँ, और आपके यहाँ जगदीश सेटर सीएम थे जी, जब 1,000 रुपया पेंशन थी उनको मैं मिल चुका हूँ, उनको धन्यवाद किया था हमने। बाकी इस बार जो मेरा मिशन है आज की युवा पीढ़ी की तरफ है, और युवा पीढ़ी को और कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ, सलाम ज़िंदगी एक किताब लिखी है और शॉर्ट समय में यूट्यूब पे पिक्चर डाल रहा हूँ। मुश्किल ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मुश्किल ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। कदमों को बांध ना पाएगी मुसीबत की जंजीरें, कदमों को बांध ना पाएगी मुसीबत की जंजीरें। रास्तों से ज़रा कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं, रास्तों से ज़रा कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं, दोस्तों से ज़रा कह दो अभी बदला नहीं हूँ मैं, दोस्तों से ज़रा कह दो अभी बदला नहीं हूँ मैं, दुश्मनों से ज़रा कह दो अभी गरजा नहीं हूँ मैं, दुश्मनों से ज़रा कह दो अभी गरजा नहीं हूँ मैं। साथ चलता है दुआओं का काफिला, साथ चलता है दुआओं का काफिला, किस्मत से ज़रा कह दो अभी तन्हा नहीं हूँ मैं। खास करके मैं भी बीकॉम पास हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये बैटरी ऑपरेट गाड़ी मैंने ही बनाई है और आरटीओ से भी सेक्शन करवा चुका हूँ। अब बेंगलोर में इसमें सोलर हमारा सक्सेस हुआ है, बेंगलोर पहुँच के इसमें सोलर भी डालूंगा। एक बार फुल चार्ज करने पे 120 किलोमीटर चल रही है। आज की युवा पीढ़ी जब जॉब नहीं मिल रही है, इस बार जो हमारा मिशन है वो मिशन ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है वो भी सतर्क हो जाए, मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे जो भिखारियाँ भीख मांग रहे हैं उसमें कई लोग नशीली चीज़ें भी बेच रहे हैं, बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, कहीं से बच्चे उठा के लाए। पंजाब के अंदर ये चीज़ हम अलर्ट करवा चुके हैं, और ख़ास करके जो युवा पीढ़ी चरस और ब्राउन शुगर की तरफ जो जा रही है, उनको मेरा संदेश है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट नॉट आई एम पॉसिबल इन द वर्ल्ड। आज वेल एजुकेटेड होने के बाद जॉब मेरी भी नहीं है, प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट फॉर्मों का अकाउंट लिख के मैंने अपनी बेटी को MBBS बना के मैरिज कर चुका 2009 में। आज देश में जिस तरह से जातीयता और सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है, जहाँ पर एक तरफ कारोबार में मंदी है तो दूसरी तरफ जैसा आपने कहा कि नौजवान नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये जातिवाद का जो जहर घोला जा रहा है मुनज़्ज़म तरीके के साथ, एक साजिश के साथ, इस पर आप क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को मेरे कई मेल जा चुके हैं कि तानाशाही बंद करे, डरता मैं किसी से नहीं, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी हो। दूसरा, आज अपनी इकोनॉमिकल पोजिशन कहाँ आके खड़ी है, हर वेल एजुकेटेड IAS अधिकारी भी जानते हैं कि हमारी पोजीशन इकोनॉमिकल क्या आके खड़ी है। तो ये सांप्रदायिक देश है और सभी धर्म, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कुलदीप सिंह राठौड़ साहब। जहां हम छोटी छोटी बहाने तलाशते रहते हैं, लेकिन एक माजूर शख्स तमाम लोगों के लिए एक पैगाम दे रहा है कि मायूसी कुफ्र है और मायूसी इंसान के
अंदरूनी मामलात को ख़त्म कर देती है। लिहाजा किसी तरह से हर हाल में हम अल्लाह की ज़ात से खुश रखते हुए जो भी ज़िंदगी में मौका आए उसे टक्कर देते हुए कामयाबी का रास्ता मंजिल तय करने की कोशिश करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज बेलगाम की खुशकिस्मती है कि जो है एक कुलदीप सिंह राठौर साहब जैसे एक बुजुर्ग, एक बड़ी बहुत हस्ती शख्सियत जैसे बेलगाम को पधारी है। मैं इनका बेलगाम वासियों की तरफ से और टीपू सुल्तान संघर्ष समिति की जानिब से जो है मैं इनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई आज बेलगाम के अंदर जो है एक मैसेज देने के लिए अपनी जान माल वक्त खुद का कुर्बान करके अपनी फैमिली को छोड़ करके एक जान जवान बच्चों को जो है एक मैसेज देने के लिए उन्होंने यहाँ पर लाए आए हैं। और जो है उन्होंने एक जान जवान बच्चों को जो है एक मैसेज ये दे रहे हैं कि जो है गांजा, चरस, अफीम, ड्रग्स, शराब जैसी चीज़ों को छोड़ो और अल्लाह ने एक अच्छी ज़िंदगी दिया है उसे पूरे तरीके से बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारो। हर लिहाज से सहूलतें होने के बावजूद छोटी सी बात पर मायूस होकर कुछ नौजवान खुदकुशी तक का रास्ता इख्तियार करते हैं तो कुछ को यही मायूसी नशे का आदि बना देती है। पर माजूर कुलदीप सिंह ने कभी अपने आप को मायूस नहीं होने दिया बल्कि नौजवानों को हौसलों का सबक सिखाया। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए शहर शहर गांव गांव यही पैगाम को आम कर रहे हैं कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और अल्लाह की तरफ से हासिल ज़िंदगी को सलाम करते हुए कभी मायूस नहीं होना चाहिए। कुलदीप सिंह राठौर मौजूदा देश में नफ़रत के हालात पर भी मोदी सरकार पर तंज करते हैं। उन्होंने कई पैगाम वज़ीर आज़म मोदी को भी दिए हैं कि देश में तानाशाही बंद हो, हर मज़हब के लोग देश में मिलजुल कर रहे ताकि देश तरक्की की राह पर गामजन हो सके। सियासी भेड़ियों की साजिशों में ना फंसते हुए मोहब्बत को आम करें और भाईचारगी को जिंदा रखें। तकरीबन 100 किलोमीटर से भी ज्यादा सफ़र हर रोज़ अपनी तीन पहिए से मुकम्मल करते हैं। यकीनन कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद माशरे में तब्दीली लाना होता है, जिनमें से कुलदीप सिंह राठौड़ हैं। हौसलों को बांटने का काम करने वाली शख्स का सफ़र जारी है। काम करने का अज़्म तो उठा रखा है और इसका सफ़र भी जारी हुआ है। कई रियासतों में पहुंचकर इन्होंने इस सफ़र का मकसद भी बयान किया है। इन्होंने बीकॉम तक का इल्म हासिल किया है और बतौर अकाउंटेंट भी इन्होंने काम किया है। अगर भारत देश को मजबूत बनाना है तो नौजवानों को नशे से दूर रहना होगा और भाईचारगी को जिंदा करना होगा, ऐसा कुलदीप सिंह राठौड़ का कहना है। बेलगाम शहर में इनका इस्तकबाल किया गया, इनके जज्बे को वाकई इत्तेहाद न्यूज़ भी सलाम करता है।